हेलो गाइस, वेलकम टू अ चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ के बेसिक अपडेट लेके आता हूँ। तो अगर आप लोगों में से कोई मेरे साथ जुड़ा हो तो मैंने आपको याद होगा थोड़े टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये मैंने बताया था कि ये जो KVS टीचर्स स्कूल के अंदर व्लॉगिंग टाइप का कर रहे हैं, लिटरली व्लॉगिंग कर रहे हैं, ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है, वो एक गलत मैसेज है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे आपको देख रहे हैं उनमें से कई बच्चों के लिए आप आइडियल हो, ठीक है ना, और उनमें से कई बच्चे इस गलत प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा यूट्यूब गलत प्लेटफॉर्म है, सही प्लेटफॉर्म है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है बच्चे को पढ़ाई करना, ठीक है, कि वो एक बेसिक एजुकेशन की तरफ, मतलब जो 12वीं तक अच्छे से पढ़ाई कर ले, उसके बाद डिसाइड करे उसे क्या करना है। लेकिन कई बच्चे अर्ली एज में ऐसा टीचर को देखते हैं तो फिर वो सोचते हैं हम भी यूट्यूबर ही बन जाए, वो जो कि एक गलत है, ठीक है। और ये उनके साथ तो धोखा है ही, जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा धोखा है उनके बच्चों के माँ बाप के साथ, कि बच्चों के माँ बाप सोचते हैं हम KVS में एडमिशन करा रखा है लेकिन वहाँ यूट्यूब खेल रहा है। तो इस पर KVS ने संज्ञान ले लिया और मुझे पता था आज नहीं कल लेंगे और ये बहुत ज़रूरी हुआ, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है पढ़ के देख लो, आज का ही है शायद, नहीं सॉरी कल का है ना, ठीक। क्या लिखा है? रिफ्रेनिंग, कह रहा है कि कुछ इम्प्लॉयज़ हैं जो सर्विस से रिलेटेड इशू या वर्क प्लेस का, ठीक है ना, इशू यानी कि काम के समय, मैं कई सारे चैनलों को जानता हूँ जिसमें वो क्लास के अंदर ब्लॉगिंग कर रहे हैं लिटरली, मतलब जब वो एस्कॉर्ट ड्यूटी पे लेके जा रहे हैं, कहीं तो एस्कॉर्ट की स्पेलिंग ही गलत लिख रहे हैं, ठीक है, XCORT टीचर है KVS के, तो वो एस्कॉर्ट पे लेके जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, बच्चों के साथ व्लॉगिंग करते हुए जा रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से गलत चीज़ है, ठीक है, क्योंकि KVS का एक स्टैंडर्ड है वो घट रहा है। तो उसी से रिलेटेड KVS ने संज्ञान ले लिया, ये लिखा हुआ है पढ़ के देख लो, पॉज कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है। पहला पैराग्राफ पॉज करके पढ़ लो, पहला पैराग्राफ, ठीक, लिखा हुआ यू आर अटेंशन, कह रहा है कई टीचर्स हैं जो यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सअप इनके थ्रू पर्सनल, मतलब KVS के वर्क प्रोफाइल या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। आगे अपने फ़ायदे के लिए या फिर किसी भी फ़ायदे के लिए KVS की, मतलब ये इंफॉर्मेशन बाहर निकाल रहे हैं गलत तरीके से, ठीक है ना। यू ऑल आर अवेयर दैट, ये कह रहा है कि जो भी ऐसे पकड़ा गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ पे देखो पहले स्टंजा की थर्ड लाइन से देखो, दिस टेंडेंसी इज टोटली अनडिजायरेबल एंड ऑल्सो अ सीरियस वायलेशन ऑफ CCS, ये जो सर्विस रूल है इसके अगेंस्ट है, ठीक। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। मैं इसको लेके बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं लिटरली चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद, अब एक चीज़ समझाओ, अगर एक बच्चे एक टीचर खुद यूट्यूब की व्लॉगिंग कर रहा है अपनी क्लास के अंदर तो वो एक गलत मैसेज है, और KVS जैसे स्टैंडर्ड के लिए तो बिल्कुल भी गलत है। तो इसके लिए मैं बहुत एग्री करता हूँ, और जो मेरे चैनल में जुड़ा उसे पता होगा मैंने आज तक ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला स्कूल के अंदर का, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप वो चीज़ें, क्योंकि जब आप में से जो भी ज्वाइन करेगा वो खुद अपने आप फील करेगा कि गेट के अंदर घुसते तो कैसा लगता है, क्लास में कैसा लगता है, वगैरह वगैरह। तो देखते हैं ये चीज़ों को कहाँ तक ले आता है। मेरे हिसाब से KVS को इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। किन के लिए? उन बच्चों के लिए तो है ही, उनके माँ बाप के लिए जो KVS के ब्रांड पे ट्रस्ट करके अपने बच्चों को वहाँ पे एडमिशन कराते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी वहीं एडमिशन होंगे। मेरा देवांश और कृषि का भी KVS में ही एडमिशन होंगे, तो मुझे डर लगता है कि कहीं और किसी और टीचर के यूट्यूब के चक्कर में वो बेचारे प्राइड से दूर ना हो जाए, वो सोचेगी हम भी यही करें, ठीक है। धन्यवाद।